वाह्य प्राणायाम बोलते हैं इसको। वाह्य प्राणायाम में तीन बंध लगाया जाता है, एक बंध आपके गले में, एक बंध पेट में, एक बंध बैक साइड में लगता है, यानी कि ऐसा छिद्र जो आपके सांस बाहर निकलने के जो भी मार्ग हैं वो उसको बंद आप कर रहे हैं। जैसे अगर हम पूरे सांस को हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर सांस निकालने के बाद ये जो गर्दन है यहाँ पर एक लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है, आप देखेंगे अंदर की तरफ एक टुल करके घूमती रहती है, उस पर लॉक लगा दें और गर्दन को नीचे कर दें, उसके बाद बैक साइड से भी लॉक कर दें जब हवा गैस वगैरह बाहर ना निकले, उसके बाद पेट को धीरे से अंदर खींचें, जैसे देखें आप आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती इससे, आपको पाचन संबंधित, आपके किडनी, आपके लीवर, मतलब अंदर जितने भी सिस्टम काम करने वाले हैं उनमें कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि हम हर चीज़ की एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन इंटरनली एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर पाते, तो ये सबसे अच्छा है आप पेट के लिए आप इसको करते हैं। अगर इसमें मूवमेंट देना चाहें, हालांकि इसमें तो बहुत सारे पेट संबंधित लोग हैं, जैसे एक नॉलेज भी आती है आपका, उससे संबंधित भी आपके दोनों जो जो सिरा है ऊपर वाला, बस इतना ही पता है ऊपर डंडी जैसा रह जाए तो आपको सब अंदर चला जाता है, तो उसमें मूवमेंट में देख करके आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मूवमेंट दे सकते हैं। मूवमेंट कई प्रकार का दिया जाता है, एक तो नाव जैसा मूवमेंट हो गया, जैसे नीचे ऊपर आया, एक आगे पीछे, एक साइड टू साइड, जैसे पानी के अंदर लहर नहीं चलती है इस टाइप से, हालांकि लहर वाले के लिए अभी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, होगा जरूर आगे दिखाएंगे आप, बट इसको आप अगर आप करते हैं तो आपको पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से अपना करते जाइए, खूब आनंदित तरीके से जीवन यापन करते जाइए। इसका आप करें, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, थैंक यू।